Okay, I'm so, and I'm also fine. So today my video is I'm going to show you my makeup kit. So my makeup mein kya kya hai. So without any further, let's zoom to the video. ये है मेरी मेकअप बॉक्स की दुकान, जो इतना नहीं है बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही है, मेकअप में यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा। एंड ये है मेरी लिपस्टिक की दुकान मतलब लिपस्टिक की बॉक्स, जो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ एंड यही खरीदा था मैंने, बिकॉज ये सबसे वाला सबसे मतलब सबसे 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 फेवरेट लिपस्टिक सेट है मेरी बहुत सारे ब्रांडेड लिपस्टिक यूज़ किया है मैंने एंड है भी मेरी, बट मैंने वो सब यूज़ करना बंद करके यही वाला यूज़ कर रही हूँ। एंड ये बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल भी है, जब मैंने ख़रीदने वाले थे तब मुझे ऐसा लगा था ये बहुत मिनी सा है एंड शायद ये अच्छा नहीं होगा, फिर मैंने सोचा सर एक बार ख़रीद के देखते हैं, अगर अच्छा हुआ तो यूज़ कर लेंगे, अगर अच्छा नहीं हुआ तो यूज़ कर लेंगे बट फिर भी नेक्स्ट टाइम नहीं खरीदेंगे। बट जब ख़रीदा, जब ये खोला, जब से यूज़ करी, ओह माय गॉड, मतलब कॉलेज टाइम भी यही, आउटिंग के लिए भी यही, वीडियो बनाने के लिए भी यही, मतलब सब कुछ चीज़ के लिए यही, बिकॉज द मेन थिंग इज दैट इसके अंदर सब कुछ कलर, सब थीम, एवरी कलर इज अवेलेबल। सो दैट्स व्हाई सब ड्रेस के साथ मैच करके बनाना मतलब लगाना इट्स रियली वेरी इजी एंड बहुत अच्छा लग जाती है मुझे, बिकॉज एक ही बॉक्स में ढूंढना नहीं पड़ता। तो तब से ड्रेस पहन लिया, खोल लेती हूँ एंड मैं देखती हूँ मैं ड्रेस के साथ कौन सा कलर मैच करने वाली हूँ, वही लगा लेती हूँ। सर बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो इसकी लिंक मैं दे दूँगी आपको, आप चेक कर सकते हो। पहले भी मैंने बोला था एक वीडियो में या दो वीडियो में, आई डोंट नो, कि ये बॉक्स बहुत ज़्यादा है, आप खरीद लो, आपके लिए अच्छा होगा, बाकी और कुछ नहीं। ये है मेरी जो बाकी जितने भी मेकअप है सब इस यहाँ पे रख देती हूँ मैं, बिकॉज एक ही बॉक्स में रहे, जब मैं घर में थी तब तो सब अलग अलग करके मैं कबोर्ड में रख देती थी, बट अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, रूम में रहती हूँ सो मैं एक बॉक्स में सब कुछ अच्छे से रख दिया, बिकॉज मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। एंड जब भी मेकअप की कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ लाएगा तो तुरंत ये बॉक्स खोलूँगी तो मिल जाता है मुझे। सो द फर्स्ट थिंग यहाँ पे है मेरी ऊपर में ही, ये है फाउंडेशन जो कि है फ्रॉम लैक्मी, और सॉरी आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, दिस इज़ फ्रॉम मेबेलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली SPF 22 फाउंडेशन। एक्चुअली गाइस मैं सच में कहूँ तो मुझे मेकअप की चीज़ खरीदना अच्छे से नहीं आता है, बिकॉज आई डोंट नो कौन सा वाला फाउंडेशन खरीदूँ कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, मेरी कॉम्बिनेशन मतलब स्किन एक ऐसा स्किन है जहाँ पे इतना ऑयलीनेस नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ प्लेस में ऑयलीनेस हो जाता है एंड मेरी मेन थिंग है स्वेटिंग, तो उसके वजह से उसके लिए मैं कौन सा फाउंडेशन यूज़ करूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे, मैं नेक्स्ट टाइम से वही यूज़ करूँगी। एक्चुअली ये ख़रीदा हुआ हो गया, ज़्यादा तो यूज़ नहीं करती इसलिए बहुत है, बट देन ऑल्सो दिस न्यू ओनली, कुछ मंथ पहले ख़रीदा था आई थिंक, नहीं आई थिंक 1 ईयर हो गया ये ख़रीदा हुआ मेरा, बट स्टिल इट इज़ गुड एंड ये ख़त्म ही नहीं हुआ है, न्यू ही है, एकदम पूरा न्यू है। एंड इसका कलर मैंने ये टोन चूज किया बिकॉज मुझे थोड़ा ये कलर अच्छा लगा मैच कर रही है मेरी स्किन के साथ, सो ज़्यादा वाइट टाइप भी नहीं चाहिए, ज़्यादा लाइट कलर भी नहीं चाहिए एंड ज़्यादा टोन वाला भी नहीं चाहिए, वो डीप हो जाता है ब्लैक टाइप का। तो ये ले लिया था मैंने, तो इसका भी लिंक दे दूँगी आपको एंड हो सके तो एडिटिंग की टाइम में अगर मुझे याद रहे तो मैं इसकी फ़ोटो भी साइड में लगा दूँगी। तो ओके लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। सो सेकेंड में है मेरा यहाँ पे है प्राइमर भी है इसमें, सो प्राइमर है ये है प्राइमर, मैंने ये कहाँ से खरीदा था, हाँ ये मैंने नायका से खरीदा था, कुछ मेकअप्स है मेरी जो मैंने नायका से परसेस क्या था वो है ये, उससे ये एक था प्राइमर। सो आई वॉज सर्चिंग कि क्या प्राइमर लगाऊं, मेरे को जितने भी मेकअप खरीदा था सब कुछ आइडिया ले लेके खरीदा, बिकॉज आई हैव नो आइडिया, बट व्हेन आई एम सर्चिंग प्राइमर इन नायका, अमेजोन में भी मैं सर्च कर रही थी बट मुझे अमेजोन भी मैं सर्च कर रही थी बट मुझे नायका में ख़रीदना था, बिकॉज आई वॉन्ट टू परचेस सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम नायका, बिकॉज अभी तक मैंने कुछ परचेस नहीं किया था पहले,
फिर मैंने बहुत कुछ पार्सेस कर लिया। ये है सो जितने भी प्राइमर सर्च के उससे ये मिला मुझे, ये वाला अच्छा लगा मुझे। प्राइमर 3-in-1 मतलब यहाँ पे है प्राइमर भी है मिला मुझे ये वाला अच्छा लगा मुझे प्राइमर 3-in-1 मतलब यहाँ पे है प्राइमर भी है, प्रोटेक्शन भी है एंड मॉइस्चराइजर भी है, इससे मॉइस्चराइजर भी हो जाएगा एंड ऑयल फ्री है मतलब ये ऑयलीनेस नहीं देती है फेस में। एंड ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग का है, 30 ml का है, बहुत अच्छा है एंड बहुत दिन चलेगा। ये ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, बस सिर्फ एक ड्रॉप टाइप की एक छोटी सी अमाउंट लेनी चाहिए तो हो जाता है इससे। सो गाइस जस्ट इग्नोर माई बैकग्राउंड साउंड, सो मैं ये रात को शूट कर रही हूँ, आई वाज लाइक मुझे टाइम नहीं मिला था। सो दैट्स इट। सो अभी इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं। सो बट आई एम नॉट श्योर कि ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है भी या नहीं, अगर है तो आप खरीद सकते हो, बट मैं लिंक डाल दूंगी। एंड जो है ये मैंने खरीदा था आई थिंक नायका और अमेजोन, मतलब मेकअप की हर एक चीज़ नायका एंड अमेजोन से खरीदती हूँ मैं। एंड जितने भी मेरी सो मेरी बहुत सारे नेल पेंट कलेक्शंस है जो मैं आपको दिखाऊंगी वो अलग वीडियो में, अगर आप देखना चाहते हो तो एक कमेंट कर देना जरूर, बिकॉज मुझे इससे याद आया कि हाँ मैं तो इतनी सारे नेल पेंट पर्पस या परसेस करके रखा ऑलरेडी, मैं उसकी एक वीडियो भी बना सकती थी ना। इतनी प्यारी प्यारी कलर्स उन्होंने कलेक्शन करके रखा, इतना ओवर नहीं है बिकॉज मैंने बाद में सोचा था और जो कलर नहीं लिया था वो भी ले लूँगी, बट आई वॉज लाइक टाइम के हालात से मतलब एज ए सिचुएशन मुझे मेरे फिर नहीं ऐसा लगा कि अभी नहीं चलेगा तो फिर भी चल जाएगा। सो इट वॉज लाइक दैट। सो शायद ये मैंने अमेजोन या नायका कहीं पर भी से खरीदा, जहाँ से खरीदा वहाँ का लिंक दे दूँगी, सो याद नहीं है तो नहीं बताऊँगी। ओह माय गॉड, सो इसकी एक्सपायरी है दिसंबर 2024 तक, सो चल जाएगा आराम से, तो तब तक खत्म करना होगा मुझे, मतलब ऐसा हो रही है अभी। ओके दिस इज 2022 एंड ये 2021 से है, सो मैंने 2022 के थोड़े पहले कर दिया था। सो एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये मैट फिनिश है एंड ये प्रोफेशनल है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ये लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं 60 ml का है, सो मैं यही यूज़ करती हूँ एंड मुझे अच्छा ही लगा, सो इसकी भी लिंक दे दूँगी। सो ओके लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। सो द सेकेंड वन है ये हमारा कोबोन सा मस्कारा, जो सबके पास होता है ऑलरेडी, फिर भी मैं दिखा रही हूँ बिकॉज मेरे पास भी है तो ये सो ये है मेबेलिन न्यूयॉर्क का कोलोसेल वाला वाटरप्रूफ मस्कारा, जो है हमेशा हमारे साथ देती है कि बिकॉज आईलाइनर लगाओ या काजल लगाओ या ना लगाओ, बस ये लगा के ज़्यादा एटलीस्ट हम लोग का आईलैशेस बहुत ज़्यादा अच्छा क्यूट दिखता है, सो ये लगा लेती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये भी यूज़ नहीं करती, ये एंड लिपस्टिक मैं यूज़ करती ही हूँ। सो ये इतना प्यारा सीज, इतना मिनी सा सीज ऊपर में रखा मैंने। सो ये है हमारा स्विस ब्यूटी हाइलाइटर एंड आई गॉट दिस फ्रॉम अमेजोन, मतलब गॉट मतलब अमेजोन ने मुझे दिया नहीं, मैंने खुद पार्सल्स के अपना पैसा डाल के। ओह माय गॉड, अगर खुद अमेजोन मुझे देता तो कितना अच्छा होता है। सो ऐसा नहीं है कि मैंने खुद पर्चेस किया, सो ये दैट इट्स एंड इसमें बहुत सारे कलर्स है, इट्स लाइक मतलब बहुत लाइट कलर है, लाइक व्हाइट, पिंक, ब्राउनिश, पिंक में भी 3 कलर आ जाती है, मतलब एज ए हाइलाइटर में कितनी कलर रहती है सब है, देख लो अच्छे से। सो इसकी भी लिंक दे दूंगी। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यूज करने में, फेस का बहुत ज्यादा शाइनी शाइनी फील होता है, सो आप लोग भी कर सकते हो। सो ये है, ये क्या रख दिया मैंने अपने मेकअप बॉक्स में, ये तो हमेशा वाला यूजफुल चीज मैंने यहाँ पर डाल के रख दिया, इसलिए मैं हमेशा रात को ढूंढ रही थी मेरा लिप बम कहाँ गया, मेरा लिप बम कहाँ गया ऐसे बोल के फिर फूल के मैं सो जाती हूँ। हाय आज ये दिख गया तो आज से मतलब लिप बम लगाना। सो बिकॉज हम लोग ने कुछ मतलब सामान इधर उधर करने की वजह से हम लोग का मतलब ये मैंने यहाँ पे रख दिया था, बिकॉज अदरवाइज कहीं पे भी रख दूंगी भूल जाऊंगी, तो उस ऐसा करके ये यहाँ पे रह गया। तो ये था हमारा ऑर्गेनिक का लिप बम
5A1 यहाँ पे सब कलर है, बहुत सा लाइट कलर है, बहुत ज्यादा अच्छा है। द मेन थिंग इज इन हेयर इज आप अगर रात मॉर्निंग को ये लिप बम लगा सकते हो, बट व्हेन वी आर अप्लाइंग अनदर लिप बम और वैसलीन हमारा लिप्स कुछ वाइट वाइट सा हो जाता है एंड आफ्टर सम टाइम आवर लिप्स बिकम ड्राई। जो वैसलीन लगा लिया, लिप बम लगा लिया, सूख जाता है, बट ये अगर लगा लिया कभी नहीं सूखता है। अगर कुछ खा लिया फिर भी नहीं मिटता है। हाँ गाइस एक बार ट्राई करो, पता चलेगा। ऑब्वियसली सो ये नहीं दिखाने वाली थी, बट यहाँ पे मिल गया तो ये सो ये यहाँ पे रख देगी, अदरवाइज यहाँ पे रखूंगी तो फिर से यहाँ पे रह जाएगा। सो और एक है ये लिपस्टिक। सो गाइस यहाँ पे मैंने लिपस्टिक नहीं रखा, वो बाहर में है तो वो नहीं दिखाऊंगी। सो बिकॉज ये लिपस्टिक का नहीं है, फिर भी वो यहाँ पे रखा, अभी नहीं दिखाऊंगी। ये यहाँ पे था तो दिखा रही हूँ। ये हॉट न्यूड कलर का है लिपस्टिक, ये देख सकते हो। ये मैं बहुत कम यूज करती हूँ, बट एक्चुअली आई वॉन्ट टू अप्लाई न्यूड कलर्स, बट न्यूड कलर्स जब कब अच्छा लगता है, जब हम लोग मेकअप करते हैं तब अच्छा लगते हैं ज्यादा। अदरवाइज हम लोग का लिप्स बहुत ज्यादा बोल्ड दिखता है, सो इसीलिए मैं न्यूड कलर्स बहुत कम ही यूज करती हूँ। हाँ न्यूड कलर कौन सा वाला यूज करती हूँ, वो बॉक्स वाला, वहाँ पे भी बहुत सारे न्यूड कलर्स है, बट ये वाला नहीं करती हूँ। ये वाला जब यूज करती हूँ मेरी लिप्स बहुत ज्यादा बोल्ड दिखता है, सो आई डोंट लाइक, बट समटाइम आई यूज दिस। सो इसका भी लिंक दे दूंगी। सो ये है हम लोग का आईलाइनर, इसका कोई लिंक विंक नहीं है, पता नहीं कहाँ से खरीदा, क्योंकि ये वाला क्यूट सा बॉक्स, इसके अंदर बहुत सारे हेल्पफुल मेकअप ब्रशेस हैं जो कि मैंने ये सेट खरीदा था। सो बिकॉज ये मेनली ये क्यों खरीदा था आपको पता है इसका रीजन, ये यहाँ पे एक हेलो किटी वाला एक डॉल है, हेलो किटी लिखा हुआ है। ये मतलब ऐसा था कि ये खरीदना ही है मुझे, अलग ब्रश भी है मेरी, फिर भी मैंने ये खरीदा बिकॉज इसके अंदर भी ब्रश का जो कलर है पिंक बहुत क्यूट क्यूट है। सो ये देखिए, सो इसके अंदर ब्रशेस मैंने ठोक के बाहर रख दिया। सो अभी जो है बचा हुआ मेरा मेकअप, ये है मेरी फिट मी का कंसीलर, देख सकते हो मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी का। ये मैंने परचेस किया था आई थिंक नायका और अमेजोन, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक आई परचेस दिस फ्रॉम अमेजोन ओनली, जहाँ पे भी हो आई डोंट रिमेम्बर। सो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सो इसका कलर भी बहुत ज़्यादा लाइट है एंड आई जस्ट लव इट। सो ये है हमारा सोतुसा मस्कारा, और सॉरी मस्कारा क्या बोलती हूँ, ये हमारा सोतुसा लेकमी का आईब्रो पेंसिल, लिंक दे दूंगी डोंट वॉरी। एंड ये है हमारा फिर से और एक मैंने कंसीलर का दुकान खरीद के रख दिया, ये है अलग सा कंसीलर, ये है इसका कोई ब्रांड नहीं है क्या, ये करेक्टर है एक्चुअली, कंसीलर नहीं है करेक्टर है, पता नहीं कहाँ पे करेक्ट करना है, फेस में भी करेक्शन है, मतलब आई डोंट नो, बट मैंने खरीद के रख दिया, कभी कभी यूज कर लेती हूँ, बट कहाँ पे यूज करना वो नहीं पता। एंड ये है हमारा 16 आई शेडो प्लेट, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ कलर है, बहुत प्रीटी है ये। ये मैंने टू एंड हाफ ईयर्स पहले खरीदा था ये मैंने, अभी तक बहुत आराम से चल रही है, बहुत अच्छा है, बिकॉज मेरी ज्यादा मेकअप खरीदने की पैसा भी नहीं है एंड खर्चा देता भी नहीं है। कैसे ऐसा नहीं है कि, बट आई वॉन्ट टू परचेस लॉट ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स, बट यूज़ नहीं करती हूँ तो खरीद के क्या करो, बट क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट है ही, इतना ही बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। सो और एक था ये आई शेडो पैक, इसमें न्यूड कलर्स है सब एंड उसमें सब कलरफुल कलर्स है। सो दैट्स इट, और कुछ है नहीं दिखाने के लिए, खत्म हो गया पूरा मेकअप बॉक्स, ये उल्टा पुल्टा हो गया, नीचे का चीज ऊपर में चले गया। चलो इसको अभी ऊपर पे रख देते हैं। ओके ओके ये बाद में ठीक कर लूंगी। सो आपको सब लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको अगर ये वीडियो बहुत ज़रा अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मैं देखती हूँ आप लोगों की ये भूलने की बीमारी है जो मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ, जो आप लोग मुझे मेरी वीडियो को देख लेती हो उसके बाद लाइक भी नहीं करते हो एंड सब्सक्राइब भी नहीं करते हो,
पता नहीं क्यों ऐसा करते हो आप लोग, शायद आप लोगों को तो आई एम आर्ट्स स्टूडेंट, सो आर्ट्स स्टूडेंट तो नहीं हूँ, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी वो नहीं कर पाऊंगी, सो सब्सक्राइब कर देना, सो ओके सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड ये प्रीटी प्रीटी फ्रॉक कैसा लगा कमेंट करना।